तो दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पर तो बाबा का ढाबा के नाम पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा और आप लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। और अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये वीडियो आखिर इतना क्यों वायरल हो रहा है तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और ये बाबा का ढाबा हैशटैग इतना आखिर क्यों वायरल हो रहा है इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, एक यूट्यूबर है जिनका नाम है स्वाद ऑफिशियल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। दोस्तों, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जहां पर 80 साल के बहुत ही मतलब कि ओल्ड कपल जो कि बहुत ही मतलब बुजुर्ग हैं, वो लोग एक छोटा सा ढाबा चला रहे हैं और वहां पर वो खाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। मतलब कि आप लोग छोटा सा ढाबा समझ दो और उनका ढाबे का नाम बाबा ढाबा है। अब दोस्तों, वहाँ पर ये यूट्यूबर पहुँचे और उन्होंने उनका हाल देखा तो उन्होंने बताया कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, हम यहाँ पर 1985 से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा ढाबा आज भी उतना ही है और अभी हमारा ढाबा नहीं चल रहा है, लोग खाना नहीं खा रहे, हम लोग बना तो रहे हैं। मतलब उनके जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी, उन्होंने इस तरह अपनी पूरी परिस्थिति उस यूट्यूबर को बताई। अब दोस्तों, उस यूट्यूबर ने उनका पूरा वीडियो बनाया और उसने सोचा कि अगर मैं अपने वीडियो बना करके यहाँ वहाँ शेयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग देखेंगे और सोशल मीडिया में आजकल इतना पावर है तो शायद कुछ लोग देख करके इनकी हेल्प के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ लोग इनका खाना खाने आ सकते हैं जिससे इनको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो उस बंदे ने दोस्तों यही किया, उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर डाला और यहाँ वहाँ थोड़ा शेयर कर दिया। अब दोस्तों, उस बंदे का ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि ट्विटर पर अभी ट्रेंडिंग 1 पर ये चल रहा है बाबा का ढाबा नाम से। वहाँ पर दोस्तों आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, स्वरा भास्कर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इनके सपोर्ट में आए हैं और इनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए हैं। और कई लोग दोस्तों इनके होटल पे जा करके इनको पैसे की हेल्प कर रहे हैं और इनके खाने पीने का जो बनाते हैं वो खरीद रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग को जम करके भीड़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों सोशल मीडिया की वजह से आज इतने 80 साल के मतलब के बुजुर्ग कपल को मतलब के यहाँ पर इतनी हेल्प मिल रही है और उनका आज खाना खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हर्ष बेनीवाल भी इन 80 साल के कपल से मिले, उनसे बातें की और उनके साथ सेल्फी फ़ोटो भी ली और उन्होंने भी उनकी वहाँ पर बहुत हेल्प की। तो दोस्तों इसी वजह से आज इनका ढाबा जो है मतलब कि इतना वायरल हो रहा है बाबा का ढाबा नाम से और आज इनको भी बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे की भी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से खाना अपने स्टाफ के लिए खरीदने की बात कर रहे हैं, मंगवाने की बात कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों इनकी बहुत ही हेल्प हो रही है। अब यहाँ पर दोस्तों सुनील शेट्टी, स्वरा भास्कर, रवीना टंडन और हर्ष बेनीवाल जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके सपोर्ट में आए हैं तो इस वजह से जनता और जानना चाहती है कि आखिर ये बाबा का ढाबा आखिर है क्या और आखिर इतना वायरल क्यों हो रहा है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूरी जानकारी दे दी कि आखिर ये वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा था और इसके पीछे रीज़न क्या था। तो दोस्तों अगर आपके पास ये मतलब कि बाबा का ढाबा जो एड्रेस है, अगर ये आपके आस पास ही हो तो आप लोग भी वहाँ जाएँ और इनकी आप लोग हेल्प कर सकते हो, क्योंकि टीवी न्यूज़ वाले तो कभी ऐसी खबरें दिखाएंगे नहीं, कभी किसी की ऐसी मजबूरी होगी तो उसके बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन हमारा सोशल मीडिया में इतना पावर है कि हम लोग इस तरह मदद करके किसी का भी मतलब के भला कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी बताएं कि सोशल मीडिया में आखिर कितनी पावर होती है अगर सही से यूज़ किया जाए तो।